हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित खुराना, आपका होस्ट कार ब्लॉग इंडिया पे, और यह है न्यू 2024 काइगर, जिसमें कई सारे नए फीचर्स को ऐड किया गया है, नए ट्रिम लेवल्स लाए गए हैं, और इसमें ये जो आप कलर देख रहे हैं स्टेल्थ ब्लैक कलर, ये भी नया है। दिखने में कैसी लग रही है आप हमें बताइए। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें अब सेमी लेदराइट सीट्स आपको मिल जाती हैं, जो कि कुछ इस तरह की दिखती हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो ये न्यू लुक कैसा लगा आपको सीट्स का हमें बताइएगा। साथ ही में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग दिया गया है। इसमें आपको जो है इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो बेजल लेस दिया गया है, और ऑटो डिमिंग है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस सेगमेंट के लिए। और साथ ही में इसमें जब आप इस गाड़ी के पास आते हैं और इसको अनलॉक करते हैं तो इसके ORVM ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाते हैं, और जब आप दूर जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं, तो इसको वेलकम एंड गुड बाय फीचर कहा गया है। इसमें आपको रेड पेंटेड ब्रेक कैलिपर्स दिए जा रहे हैं, जो कि इसकी विजुअल अपील को बढ़ा देते हैं। क्रूज़ कंट्रोल भी मिलेगा आपको हायर वेरियंट्स पे, और इसमें ऑटोमेटिक में लोअर प्राइज्ड वेरियंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। RLX और RXT ऑप्शनल दो नए वेरियंट इसमें डाले गए हैं। 15+ सेफ्टी फीचर्स को स्टैंडर्ड कर दिया गया है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सिस्टम्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्पेस का अंदाज़ा आप चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे रियर AC वेंट्स भी दिए गए हैं, और इसका जो प्राइस है जो नॉन टर्बो वेरियंट है वो 5.99 लाख से लेके शुरू होके 9.29 लाख तक जाते हैं, और जो इसके जो टर्बो वेरियंट हैं वो 9.29 लाख से लेके 10.99 लाख, यानी लगभग 11 लाख एक्स शोरूम तक जाते हैं। तो आपको कैसी लगी है गाड़ी, कैसी लगी इसकी लुक्स और इसका डिज़ाइन, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके क्या विचार हैं, क्या आप काइगर को कंसिडर कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।